देखिए ये केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन गया है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाई हूँ एगलेस रवा चॉकलेट केक। इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। ये मेरा घर पे जमाया हुआ दही है। अब मैं इसमें एक कप पाउडर शुगर डाल रही हूँ। अब हम इन्हें अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि दही और शक्कर एक साथ अच्छे से घुल जाए। 3 से 4 मिनट तक विस्क करने पर शक्कर दही में अच्छे से घुल जाती है। अब मैं ये इस मिश्रण में आधा कप तेल डाल रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल लिया है। आपके घर में जो भी ऑयल उपलब्ध है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से विस्क करेंगे। अभी 5 से 7 मिनट तक विस्क करने के बाद ये मिश्रण इस प्रकार दिखेगा। अभी मैं इसमें बारीक सूजी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी अवेलेबल नहीं है, जाड़ी सूजी है, तो आप उसे मिक्सर में थोड़ा सा घुमा लें और इसमें यूज़ करें। अभी मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल दिया है। ये अनस्वीटन कोकोआ पाउडर है। इसे हम अभी अच्छे से विस्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि मिश्रण बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। इसे पतला करने के लिए हम दूध इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 100 से 125 ml तक दूध डाला है। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है। हम धीरे धीरे करके बारी बारी करके दूध मिलाते जाएंगे। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही दूध मिलाइए। इसे अच्छे से विस्क कीजिए। मैंने यहाँ पे मैदे की जगह पे सूजी का इस्तेमाल किया है। बिकॉज ऑफ दैट ये बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है, इसलिए आप बिना दिक्कत बच्चों को ये केक खिला सकते हो। सूजी का नेचर है वो जितना भी मॉइस्चर हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने वीडियो में दिखाया है उतनी ही बैटर की कंसिस्टेंसी रखे। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं अपने केक टीन को तेल या फिर बटर से अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ ताकि केक टीन को चिपके ना। इस पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। अभी अगर आप देखेंगे तो सूजी ने पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम दूध डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। इन द मीन टाइम मैंने मेरा ओवन 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इसके लिए मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों भी रॉड ऑन रखी है। दूध को मिलाते वक्त बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली और गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। वीडियो में दिखाया है उतना ही कंसिस्टेंसी रखें। ये केक के मिश्रण को कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिलाए और इमीडिएटली केक टीन में ट्रांसफ़र कर दे। ओवन में एगलेस केक बेक करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखें। एगलेस केक बेक करने के लिए बॉटम वाला रॉड ऑन रखें, ऊपर वाला रॉड ऑफ रखें। नाउ बेक दिस केक एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 टू 45 मिनट्स। दोस्तों ये देखिए मेरा सूजी का केक रेडी हो चुका है। मैं इसमें टूथपिक डाल के चेक करती हूँ। ये देखिए
इट कम आउट सो क्लीन। 10 मिनट के बाद हम इसे किनारों से इस प्रकार छुड़ा लेंगे और एक कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं हमेशा केक 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। पार्चमेंट पेपर लगाने की वजह से केक टिन को बिल्कुल नहीं चिपका और पार्चमेंट पेपर भी क्लीनली निकल के आ गया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों, मेरा ये केक ठंडा हो चुका है। अभी मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस केक को बहुत अच्छे से जाली पड़ गई है। ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो चुका है। दोस्तों, तो आप भी ये इंटरेस्टिंग रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।